सर आपकी गलती थी, आपकी वजह से आपका चैनल डिलीट हुआ, ठीक है ना। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, मैं आप क्रैक की वीडियो बहुत बनाते हो ना, इस वजह से आपका चैनल हैक हुआ, देख लो अब, ठीक है, भुगतो अब। आज मेरे को ये बताओ कि चैनल हैक कैसे हुआ आपको, आज आपको कैसा लग रहा करता है कि कितने फॉलोवर्स थे हमारे, कितने सब्सक्राइबर थे हमारे, और पैसा चाहे कितना ही यूट्यूब से आए या बाकी कहीं से भी आए वो मैटर नहीं करता, मैन होता है कि हमारे पे जो ऑडियंस, एक एक ऑडियंस जो इकट्ठी होती है कितनी ज़्यादा मेहनत से होती है ना, एक एक सब्सक्राइबर के लिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम जब स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल, तो मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत भी होती है, हम 100 सब्सक्राइबर के लिए एक ऐसा रहता है कि बस पहले 100 आ जाए, बस पहले 100 आ जाए, 5 सब्सक्राइबर बढ़े, 10 बढ़े, ऐसे करके काउंट। और जब 1000 हो जाते हैं तब तो सबसे, और उसके बाद अब सोचो ज़रा कि वहाँ से स्टार्टअप होता है, कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा। फिर लास्ट में बहुत मेहनत करने के बाद, क्योंकि देखो सर, एक साल मतलब 1 ईयर अगर हम किसी चीज़ पे स्पेंड करते हैं, बहुत उम्मीद लेके करते हैं कि हमने पूरा एक साल लगाया तो अब हम रहेंगे इस पे, और बहुत मेहनत करी हुई होती है। अब 2 साल थी वो मेरा 3 साल पुराना चैनल था, 3 ईयर पुराना, उम्मीद है कि वापस तो आएगा, उम्मीद है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पर नुकसान तो पता है कि होना था, हुआ है, और बहुत ज़्यादा मतलब जिस टाइम, देखो मैं आपको पहले पूरी खबर बताता हूँ, जिस टाइम पे मेरे पे ये खबर आई, ठीक है, कितने आपको मतलब टाइम क्या था, मतलब ये था मेरे पे रात में, हकीकत बताता हूँ, मैं तो रात में गया हुआ था मूवी देखने के लिए, उस टाइम पे मैं जैसे ही फ्रेंड के साथ गया हुआ था, मैं वापस आया, वापस आने के बाद टेलीग्राम पे ग्रुप में बातचीत चल रही थी, बातचीत ये कि ग्रुप चैनल हैक हो गया, मैंने बोला चैनल किसका हैक हो गया, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए थे, मैंने उसके बाद लास्ट में जब नीचे लिखा हुआ देखा जुबेर मोबाइल चैनल, मैंने बोला भाई जुबेर मोबाइल कौन कह रहा है, मैं गया अपने चैनल पे, मैंने जाके YT स्टूडियो ओपन करा, ओपन करने के बाद देखा तो कुछ भी नहीं, मतलब एक्शन रिक्वायर्ड दिखा रहा, तो मैं हो गया कम से कम 5 मिनट के लिए एकदम साइलेंट बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि अब बोलने की शक्ति नहीं, वही हो गया, आँख बंद करके मतलब बैठा रहा। फिर फाइनली 10 से 15 मिनट बाद एटलीस्ट रिकवर हो पाया मैं, क्योंकि एकदम से सदमा लगता है, बहुत अजीब लगता है, तब जाके मैंने रिकवर करने की कोशिश करी, ईमेल डालने की कोशिश करी, ईमेल चेंज हो गया, पासवर्ड चेंज हो गया, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, मतलब जितना भी कुछ था टोटली चेंज कर दिया गया। फिर मेरे पे स्टार मोबाइल टेलीकॉम मतलब कुछ यूट्यूबर्स की कॉल आई, ऑफिशियल रोम की कॉल आई, नहीं एक छोटी सी चीज़, जैसे नाइट की बात थी, हाँ रात 31 तारीख की, 1-12 बजे की बात थी, 30 तारीख की या 31 तारीख की, 30 तारीख की बात थी, 30 तारीख में रात में, 30 तारीख को बजे मेरे को खबर मिली। हाँ अच्छा, 1 बजे है कि हुआ है मान लो, इतना 1 बजे आपको पता चला, तो 31 तारीख होगी उस दिन, 31 एक तारीख आज क्या है, नहीं 30 तारीख रहेगी तो PM रहेगा, और 31 तारीख रहेगा तो AM रहेगा, तो आपका मतलब रात को नाइट में 1 बजे आपको पता चला कि ऐसे ऐसे चैनल हैक हो गया, तो आपने जैसे पासवर्ड फॉरगेट, gmail ID करके सब कुछ देखा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा, फिर मैंने रात में आपको कॉल करी, और मेरे को 3:30 बजे कॉल आई, मैंने सोचा कि सर को कॉल करूँ नहीं करूँ रात में, क्योंकि रात में 3 बजे देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, खासतौर पे एक यूट्यूबर ही दूसरे यूट्यूबर का गम समझ सकता है, क्योंकि अगर मान लो आप का कोई चैनल नहीं है तो आपके लिए वो नॉर्मल है कि भाई अगर आपने मेहनत करी होती तो आप दूसरे की मेहनत समझते कि हाँ कैसा हुआ होगा, तो अजय भाई को पता है, जितने भी यूट्यूबर थे सबको पता है कि एक एक सब्सक्राइबर कैसे होता है। मैंने इनको, मुझे लगा कि नींद में, मतलब ऐसा एक होता है कि नींद में कोई किसी को परेशान करता हो बहुत बुरा लगता है, तो मुझे लगा यार सही रहेगा कॉल करना, नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब चैनल हैक हो तो जितनी जल्दी उनको बता दो टीम को, यूट्यूब टीम को, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैंने जब रात में 3 बजे कॉल करी तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नींद में थी, मुझे लगा बात करो, इतनी देर में सर ने तुरंत ही सब कुछ छोड़ दिया, अपना गद्दे रजाई बंद करके आपने कॉल की थी, कॉल काट के फोन, मतलब कॉल करके काट दी थी। हाँ मैंने देखा, मैं मिस कॉल जुबेर की, इस टाइम कॉल मैंने 2 कॉल करी, आप सो रहे होंगे उस टाइम पे, आपने पिक नहीं करी, फिर 5 मिनट बाद ही आपकी कॉल बैक आ गई। हाँ मैंने तुरंत कॉल बैक की आपको, मैं यार ऐसे ऐसे कैसे, मैं क्या बात है, और उसके बाद फिर सब कुछ देखा हमने। तो सर अभी हमारी टीम से तो बात हो ही रही है कंटिन्यू, आप हम बैठे के मतलब जैसा भी चल ही रहे हैं। वैसे तो देखो भाई, हर किसी का यूट्यूब चैनल है, जितने बंदे भी ऑडियंस देखेंगे, बहुत भाई चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं भाई, सब चैनल तो सभी के हैं। अब ऐसे थोड़ी कि भाई मेहनत कोई नहीं करता, सब मेहनत करते हैं अपने चैनल के लिए, चाहे वो कोई भी बंदा। और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप जो gmail ID है ना, जिससे अकाउंट बना होता आपका, उस gmail ID को एक अलग फ़ोन में, किसी एक ऐसे इस तरीका का कोई अलग फ़ोन ले लो, उसमें
डाल के काम कर लो, जितना भी एडिटिंग फेडिंग जो भी है एडिटिंग पीसी से कर लो, पीसी से करने के बाद फोन में अपलोड कर लो वीडियो को, एक ही फोन रखो, एक ही फोन में रखो, सिस्टम होता है मोस्टली हम अगर, क्या करते हैं उसी से यूएमटी वीडियो बना रहे हैं। अगर फोन में रखो भी है तो फोन में प्ले स्टोर से बाहर वाले ऐप डाउनलोड मत करो, बहुत से होते हैं ना काइन मास्टर फ्री मिल रहा है क्रैक वाला डाउनलोड कर ले, ये सब नहीं, ओरिजिनल ऑफिशियल ऐप होना चाहिए। तो मैं तो सर उसी दिन से ओरिजिनल ही कर रहा हूँ। आप क्या चाहिए, मैंने भी खैर मेरा भी सब कुछ ओरिजिनल ही था वो। अब बता अभी मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे आपके। पहली बात तो यहाँ पे देखो मैं आप ऑडियंस को यहाँ पे बता दूँ कि अभी जो सर आए हम स्पेशली देखो कितने दूर का रास्ता होता है, कुछ नहीं है, एक मिनट नहीं तो यहाँ पे सर सिर्फ मिलने के लिए, ये अजय भाई को पता चला, देखो अजय भाई मिलने के लिए आए, थोड़ा गम बांटने के लिए आए हैं। सर ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में आया हूँ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। देखो भाई ऐसा जो एक क्लास में पढ़ते हैं ना, जो फ्रेंड होते हैं वो फ्रेंड एक दूसरे से ये बातें कर लेते, तो वो हम ऐसे लगा लो कि हम एक क्लास में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मानो कॉल पे बात, अगर मान लो कोई दोस्त यार है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कॉल पे बात होती रहती है, तो बड़ा अजीब लगता है कि चल एटलीस्ट मिलकर आए, देखें बात करें वहीं पे जाके कि क्या है। ये कहते हैं कि भाई किसी ने कोई भी चैनल बना रखा आपने, सिंपल सा एक फ़ोन में लॉग इन रख लो और फ़ोन के अंदर कोई आलतू फालतू चीज़ मत रखो यार। जब आप YouTube से अर्निंग कर रहे हो, वैसे अर्निंग कर रहे हो तो दूसरा फ़ोन ले लो या कोई वैसे कर लो सर। तो आपने तो सर अब लोग ऑडियंस कहेगी कि सर ने तो आईफोन ले रखा था 1.5 लाख का, बताओ यही तो बताओ। देखो एक आईफोन की ना खुद चैलेंज करती है आईफोन कि हमारे फ़ोन को कोई हैक नहीं कर सकता, आईफोन खुद कहती है इस बात को कि हमारे फ़ोन को कोई हैक नहीं कर सकता और दूसरा हमारे डाटा शेयर नहीं कर सकता। आईफोन सिक्योरिटी के मामले में ही जाना जाता है कि आईफोन हैक नहीं होता, उसके बाद भी और ये सारी चीज़ें मेरे सामने हो चुकी हैं, मेरे सामने बहुत सारे चैनल हैक हुए हैं, टेक्सॉफ्ट के साथ भी, गूगल चाचा के साथ भी। दो बार चैनल हैक हो गया, बताओ उन्होंने कितनी मेहनत की थी। पिछली बार जब उनका हैक हुआ होगा तो उनको वो वाली गलती दोबारा से कोई कर नहीं सकता, उसके बाद भी हैक हुआ। तो बस बताने का मतलब ये है कि जब बहुत सिक्योर चीज़ें भी हैक हो जाती हैं तो हाँ ये तो फिर भी एक यूट्यूब अकाउंट था, वो ये जो जाना होता है चाहे कोई कितनी सिक्योरिटी लगा के रखे चले जाता है, पर फिर भी सावधानी अपने हाथ में है। इस मतलब मैटर की बात है, जब नसीब खराब हो ना कुछ भी हो सकता है, और जब भगवान आप पे मेहरबान हो ना तो बिगड़े बिगड़ाए काम भी तुरंत बन जाते हैं आपके। ऐसे भी होते हैं बंदे की चैनल बनाया रात में सुबह में देखो तेरी ये तो तो उसी दिन की बात है 31 तारीख की सर का चैनल हैक हो गया, हमारी ट्रेन जा चुकी उसी दिन की। हाँ कितना बताओ, बिल्कुल। और जिसका भी कोई चैनल है ना कोई मेल फेल आता स्पॉन्सर के लिए तो स्पैम मेल आती हैं, उनमें लिंक देते हैं उस पर क्लिक करो ये करो वो करो, वो 100% एक तरीका से हैकिंग वाला सिस्टम है। और भाई जब चैनल किसी का भी हैक होता है ना तो तुमने बड़े बड़े यूट्यूबरों को हो जाते हैं, हम तो एक छोटे से कीड़े लगा लो हमको बस ठीक है, हम तो बहुत नीचे लेवल पे। हाँ। 72K 1 लाख कुछ भी नहीं होता, 1 मिलियन वाले हैक हो जाते हैं। बस ये है कि प्यार होना चाहिए आपस में जिस भी लाइन में, और जो हमारी कम्युनिटी है भाई मैं तो सबसे कहता हूँ कि मिलजुल के रखो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, और चलो चिड़ना चिड़ाना तो सबसे चला ही रहता है, हल्का फुल्का तो चलता है कि किसी ने कुछ दुख में किसी के साथ दो बात हो जाती है ना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ उसने मेरे को याद किया। रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, हम इस वीडियो के नीचे ना सर का एक नया चैनल क्रिएट है, मतलब पुराना है नया मान लो अब उसे, तो जितने भी ऑडियंस भाई हैं उस चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और देखो ये मुसीबत किसी के साथ भी आ सकती है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरी कम्युनिटी के बंदे हैं मैं सबसे अटैच होके रहना पसंद करता हूँ, ये ऐसे नहीं कि दूर दूर भागना या ये करना वो करना किसी की बुराई या कुछ ऐसे नहीं, ये तो सब चीज़ चलती रहती हैं। आज अच्छा नाम है भाई का, हो सकता है कि कल गिर जाए, हो सकता है कि और बढ़ जाए, हो सकता है लाइन स्विच हो जाए यहाँ से, तो कुछ भी चल कुछ भी होता रहा था। मैं तो यही चाहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी जो भी भाई बन मिलजुल के रहो, सब काम हो जाते हैं और हर कोई हर किसी की हेल्प करता, जितनी जिससे होती है उतनी करता है। हाँ। अब मार्केट में भी लोग बैठे होते हैं, वो सामान वही सामान उसका पड़ोसी बेच रहा है, वही वो भी बेच रहा है, उसको पता है कि कस्टमर यहाँ गया तो वो अफसोस करेगा यार मेरे कस्टमर ने उससे ले लिया, लेकिन भाईचारा नहीं भूलते। बस फर्क इतना हो गया कि उसकी बातचीत का डिफरेंस हो गया, बातचीत का डिफरेंस हो गया, उसने कस्टमर का ये अलग मैटर है और भाईचारा अपना अलग। ऐसी सभी जितने भी यूट्यूबर हमारी लाइन में वो सोचे वो ज़्यादा व्यूज़ ले गया, वो उसने ज़्यादा सामान बेच दिया, हम इतने पीछे क्यों हैं, तो जलना जलाना कहीं नहीं रखा, जिसकी जितने नसीब में था जिसकी जितनी पावर थी उतना ही मिलेगा, उतना ही लेके जाएगा, उतना ही मिलेगा, वही बात है। कितनी भी मेहनत कर लो, कहते हैं ना कि खुदा की जब बात होती है ना अपने आप सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है,
खुदा आपसे नाराज हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी मेहनत कर लेना वही होगा जो नसीब में अब आएगा, आएगा वही आएगा। चलो बाकी देखो ये है कि सर का मैंने चैनल डाल दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, 12 मिनट की है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियंस देखेगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, सब मदद करेंगे, हम भी सब आपके साथ हैं, कोई दिक्कत। बाकी नीचे चैनल है फिलहाल के लिए जो छोटी मोटी कोशिश, वैसे तो उम्मीद है कि जल्दी हो जाए रिकवर, पर इस पे भी आपको कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट मिलता रहेगा फिलहाल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने ऑडियंस से सर जुड़े रहो, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के चक्कर में मेरे पे सबकी कॉल आई, और आप तो खैर आपसे तो बहुत पहले से ही मैं कनेक्ट हूँ, है ना, डायरेक्ट कॉल पे ही कनेक्ट हूँ। तो बहुत लोगों की कॉल आई तो बहुत अच्छा, मतलब एक होता है ना कि यार मतलब हम सोचते थे कि जिनसे हम जुड़े जिनसे हमारी आज तक बात ही नहीं हुई वो भी अगर कॉल करके पूछे तो अच्छा लगता है कि यार हर कोई कनेक्टेड है, एक दूसरे की फिगर करता है। ये सोचो जितने भी इस वाली मोबाइल फील्ड में यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं ए से लेके जेड तक, सब भले किसी ने व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछा हो पर कॉल के थ्रू भी व्हाट्सएप मैसेज मतलब किसी ना किसी ने पूछा है, तो इससे पता चलता है कि भाईचारा है हमारी कम्युनिटी में। भाई ये है, नेक नीयत से काम करो, आपका कोई भी काम है आप हमेशा आगे बढ़ोगे, और भैया वैसे रहोगे तो पीछे रहोगे, सिंपल सी बात है। और आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको अपना तरीके से मैनेज करो, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई बस सबके साथ रहो, मैनेज करो, मेहनत करो, जाओगे आगे सब जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी बार ऐसा होता है आगे वाले भी पीछे आ जाते हैं, पीछे वाले भी आगे, तो ये तो सर एक नंबरिंग है। हाँ ये तो नंबरिंग नंबरिंग है, आज चाहे तो हो सकता है कि मीटर तेज दौड़ रहा है, बस ये है कि मैं सामने वाला मैं गलत नहीं तो सामने वाला भी सही, बस अपने आप को सही रखो, अपने आप को सेफ रखो, बस सिंपल सी बात है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, सेफ रहो, इन्फॉर्मेशन यही है कि सर का कुछ अभी दिमाग थोड़ा सा आउट है, उसके अकॉर्डिंग कोशिश यही हो रही है कि जो होगा अच्छे से अच्छा होगा बस, ठीक है। और सर का चैनल का लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके फटाफट से यार सब्सक्राइब कर देना, पूछना नहीं है, नीचे लिंक दे दिया मैंने, फटाफट से क्लिक कर दो, उसे जाके सब्सक्राइब कर दो, जितना भी हो यार कम से कम जितने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चाहे इस वीडियो पे 2000 भी आएँ, चाहे 5000 भी आएँ, चाहे 10000 भी आएँ, अब आप कितना सपोर्ट करते हो, सिंपल सी बात है, आप हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम तो कोशिश करते ही हैं, क्योंकि एक दूसरे से हमारी भी जाहिर सी बात है हमारा भी पेट पलता है, ऐसी बात नहीं है, पैसों के लिए सबको हर कोई काम, पैसे के चक्कर में वैसे सब काम होते हैं, पर हम इतने वो नहीं है कि नॉर्मल पैसे से ही मतलब है, वो नहीं है हमें, ठीक है। तो बस सर और कुछ, बस सर थैंक यू सो मच कि आज की वीडियो इतनी, और तो हम कुछ कहेंगे नहीं, बस इतना ही चाहते हैं कि सर को सपोर्ट करो।